आप एक दो दिन पहले यूटी कादर साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं, माइनॉरिटी के लीडर मानते हैं अपने आप को, और कौम उनको कई मरतबा जिताकर असेंबली में कौम की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है, मगर परसों हाल हाल में उन्होंने बीजेपी की ज़बान अपने ज़बान से कही है कि अगर हिजाब पहनना है तो हमारे कौम की लड़कियां पाकिस्तान जाएं, सऊदी अरबी जाएं, क्योंकि आज उन्होंने अपने आप को सेकुलर होने का जो दावा कर रहे थे वो अपने आप ने एक ऐसे अल्फाज बताए कि वो सेकुलर नहीं हैं। आज कांग्रेस ऐसे लोगों को रख रही है माइनॉरिटी के जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और मुसलमानों के खिलाफ अपना अंदर का पूरा मवाद उगले, तो हमें इसका कंडम करते हैं, हमें इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे कौम के लीडर होने से बेहतर नहीं हो, क्योंकि आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी के लोग हर दिन आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके जो पाले हुए संगठना हैं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना, ये तमाम लोग मुसलमानों के खिलाफ दिन ब दिन जहर उगल रहे हैं, तो वैसे वक्त क्या सेकुलर जमात के लीडर ऐसा बोलना जायज़ है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस फिल वक्त बीजेपी को अगर कोई बढ़ावा दे रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस है, आज इख्तदार में बीजेपी है तो वो कांग्रेस की देना। आंदोलन सामी हर दिन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहर उगलता है मुसलमानों के खिलाफ, क्या सेकुलर अपने आप को बोलने वाले लीडर डॉक्टर अजय सिंह आज उसके हाथ से मोमेंटम ले रहे हैं, उसके हाथ से शालपोशी कर रहे हैं, ये कहाँ तक अच्छा है? ये अपने आप को सेकुलर बोल रहे हैं, फिर कम्युनल लोगों के साथ आप उनके साथ अपने ताल्लुकात रख रहे हैं, तो इस मरतबा इंशाल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे लोगों को बताएगी जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, अपने आप को सेकुलर कहने का दावा कर रहे हैं, मुसलमानों के लीडर समझते हैं, इंशाल्लाह इस मरतबा हम बताएंगे तमाम ताल्लुक के जितने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम ताल्लुकों के अंदर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम हमारे कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इंशाल्लाह हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, कौम की लड़ाई लड़ने के लिए हम आप तमाम लोगों के बीच में से हम लीडरशिप को उभारेंगे, लीडर को बनाएंगे।